असलम फ्रेंड्स वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर फ्राम एस एस सी टू सी एस एस लेवल बाई एडवोकेट सी आर ओके फ्रेंड्स आज हमारा नेक्स्ट फेदर वर्ब क्या है डू ठीक है डू से बनने वाले तमाम वर्ब्स वन बाय वन डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो में ठीक है अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का ओके तो फ्रेंड्स क्या हैं इसके सारे वर्ब्स डू अप डू विद आउट डो ओवर डू अवे विद डू डाउन डू फॉर डू इन ओके तो इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं जी फ्रेंड सबसे पहला फ्रीडवाब है डू अप ओके डू अप क्या मीनिंग होता है इसका टू फॉस्ट ऑन अ कोट शू लेसिस सी बेल्ट बटन एक्सेट्रा उर्दू में कोट इसमें बटन या सीट बेल्ट वगैरह बांधना कोई चीज़ बांधने वाली जो होती है ना उसके लिए हम डू अप यूज़ यूज करते हैं ठीक है आप एग्ज़ाम्पल्स देख लीजिए आपको एग्ज़ाम्पल्स से समझ आ जाएगी फर्स्ट एग्जाम्पल है डू अप योर शू लेसिसस्ट यू शुड फॉल अपने श्यू अपने तस्मे बंद कर लो ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ सेकेंड एग्जाम्पल है टू अप योर कोट बटन बिफोर यू गो आउट बाहर जाने से पहले अपने कोट के बटन बंद कर लो ठीक है उनको बांध लो ठीक है उसके बाद थर्ड है प्लीज़ डू अप योर सीट बेल्ट बिफोर यू स्टार्ट ड्राइविंग प्लीज़ मेहरबानी ड्राइविंग स्टार्ट करने से पहले आप सीट बेल्ट बांध लीजिए तो फ्रेंड्स तो आपको समझ आ गई होगी कि इनके लिए हम डू अप यूज करते हैं ठीक है ये था डूअप का फर्स्ट मीनिंग ओके okay, फ्रेंड्स डूअप का सेकंड मीनिंग क्या है सेकंड मीनिंग है इसको मैंने यहाँ पर बी से डिनोट करा है ठीक है सेकंड मीनिंग है डूअप का टू बी फास्ट एंड मोटा हो जाना किसी चीज़ का जकड़ जाना जैसे जब वेट बढ़ जाता है तो पता है हमें अपने पुराने कपड़े ज़्यादा तंग हो जाते हैं तो इस वजह से यहाँ पर यूज़ हो रहा है टू बी फास्ट एंड एग्जाम्पल देख लीजिए ही इज़ पुट ऑन सो मच वेट दैट हीज बेस्ट शर्ट्स वॉन्ट डू ऑफ एनिमोल क्या है कि उसका इतना वेट बढ़ गया है कि अब उसकी जो बेस्ट शर्ट थी जो उसको बहुत अच्छे तरीके से फिट आ जाती थी अब उसको पूरी नहीं आती ठीक है अब उसको जकड़ देती हैं बिल्कुल वो मोटा हो गया है ठीक है तो ये है डू आपका सेकेंड मीनिंग ओके फ्रेंड्स डू आपका थर्ड मीनिंग ठीक है यहाँ पे मैंने सी से डिनोट करा है डू आपका थर्ड मीनिंग क्या है टू रिपेयर एंड डेकोरेट अउस और रूम घर या किसी कमरे को मरम्मत करना सजाना ठीक है एग्जाम्पल देख लीजिए फर्स्ट एग्जाम्पल है ही मेक्स मनी बाई डूइंग ओल्ड हाउसेज आप क्या कर क्या है कि वो कैसे पैसे बनाता है या पैसे कमाता है जो पुराने घर हैं उनकी मरम्मत कर कर उनको डेकोरेट करके ठीक है तो वो ओल्ड हाउसेज को रिपेयर करने के बाद जो है ना अपनी कमाई करता है उसके बाद सेकेंड एग्ज़ाम्पल है प्लीज़ कैन यू डू अप माई ओल्ड रोम मेहरबानी क्या आप मेरा जो पुराना कमरा है उसको डेकोरेट कर सकते हैं तो डू आपका ये थर्ड मीनिंग है टू रिपेयर एंड डेकोरेट हाउस और रूम ओके फ्रेंड्स फ्रेंड्स फोर्थ मीनिंग है डू आपका टू रैप समथिंग इन पेपर किसी चीज़ को कागज़ या पेपर में लपेटना उर्दू में ठीक है एग्जाम्पल देख लीजिए फर्स्ट एग्जाम्पल है गिफ्ट्स और डन अप इन ब्यूटीफुल पेपर्स क्या है गिफ्ट्स को रैप करा जाता है उनको लपेटा जाता है उनको कवर किया जाता है ब्यूटीफुल पेपर्स में ठीक है तो डन अप मैंने क्यों यूज़ करा है क्योंकि ये पैसिव सेंटेंस है ठीक है पैसिव का सेंटेंस है इसलिए थर्ड फॉर्म यूज़ करा है मैंने ठीक है और सेकेंड एग्ज़ाम्पल है आई ऑलवेज़ ड्रो अप माई गिफ्ट इन गोल्डन पेपर क्या है कि मैं हमेशा अपने गिफ्ट्स को रैप करती हूँ गोल्डन पेपर में उनको लपेटती हूँ गोल्डन पेपर में वो मुझे अच्छा लगता है ठीक है तो इसलिए भी हम डू अप यूज़ करते हैं टू रैप समथिंग इन पे, इन पेपर फ्रेंड्स डू अप का लास्ट मीनिंग क्या है डू योर सेल्फ़ अप यानी कि सेंटर में आपने योर सेल्फ या इस तरह से जो है ना वो क्या कहते हैं है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस उनको यूज़ करना है ठीक है तो मीनिंग क्या है टू मेक यूर सेल्फ लुक नीट एंड अट्रैक्टिव अपने आप को साफ सुथरा और पुरकशिश बनाना एग्जाम्पल्स देख लीजिए फर्स्ट एग्जाम्पल है वन शुड ना हाउ टू डू वन सेल्फ अप फॉर अ गुड इम्प्रेशन एक बंदे को ये जानना चाहिए ये पता होना चाहिए कि अपने आप को किस तरह से साफ सुथरा और पुरकशिश बनाया जाए अच्छे इम्प्रेशन के लिए अच्छे तसुर के लिए कैसे अच्छा बनाया जाए ठीक है सेकेंड एग्जाम्पल है आई ऑलवेज़ डो माई सेल्फ अप फॉर एवरी मीडिंग मैं हमेशा अपने आप को फिट रखती हूँ साफ़ सुथरा रखती हूँ हर मीटिंग के लिए ठीक है हर मीटिंग के लिए ओके okay, तो ये है लास्ट मीनिंग डू योर सेल्फ फ्रेंड्स सेकेंड वाला वर्ब है डू विद आउट ठीक है डू विद आउट मीनिंग क्या है इसका टू मैनेज सर्वाइव और लिव विद आउट सम थिंग और सम वन किसी चीज या शख्स के बगैर ही गुजारा करना देखिए फ्रेंड्स ये डू विद आउट अपने नाम से ही जाहिर कर रहा है डू करना विदाउट बगैर यानी कि किसी भी चीज़ के बगैर गुजारा कर लेना एग्ज़ाम्पल देख लीजिए फर्स्ट एग्जाम्पल है ब्रेव पीपल डू विदाउट एनी थिंग क्या है कि जो बहादुर लोग होते हैं वो किसी भी चीज़ के बगैर गुज़ारा कर लेते हैं उनको पता है किस तरह मैनेज करना है किस तरह सर्वाइव करना है ठीक है तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या है नो अडेज पीपल कैन नाट डू विदाउट मोबाइल आज कल लोग मोबाइल के बगैर ज़रा भी नहीं रह सकते ज़रा भी अपना गुजारा नहीं कर सकते ओके okay? तो ये होता है डू विद आउट फ्रेंड्स हमारा थर्ड वाला फेज वर्ब है डू ओवर डू ओवर का मीनिंग क्या होता है टू डू समथिंग अगेन बिकॉज ऑफ एरर्स इन द फर्स्ट अटैम्प्ट कुछ गलतियों की वजह से कोई काम दोबारा करना यानी कि अगर कोई हमने काम किया है तो हमें पता चला है कि हम इसमें कुछ गलतियाँ हो गई हैं तो हम उस काम को दोबारा कर लेना तो उसके लिए हम डू ओवर यूज़ करते हैं ठीक है एग्जाम्पल देख लीजिए फर्स्ट एग्जाम्पल है यू नीड टू डू योर जॉब ओवर बिकॉज ऑफ सम एरर्स तुम्हें ज़रूरत है कि तुम अपना काम दोबारा करो क्योंकि कुछ गलतियाँ हैं कुछ एरर्स हैं इस वजह से तुम्हें ज़रूरत है कि तुम अपना काम दोबारा कर लो ओके डू ओवर सेकेंड एग्जाम्पल है आई वॉन्ट टू डू इट ओवर मैं इसे दोबारा करना चाहती हूँ बिकॉज ऑफ दैट बिड बिग मिस्ट्राइक क्या है कि उस बड़ी गलती की वजह से मैं इसको दोबारा करना चाहती हूँ तो ये होता है डू ओवर और ये अच्छी बात होती है कि कुछ मिस्टेक्स हो जाए तो उसको रिकवर कर लिया जाए ओके फ्रेंड्स हमारा फोर्थ वर्ब है डू अवे विद मीनिंग क्या होता है टू गेट रिड ऑफ़ रिमूव पोटन एंड टू किसी चीज़ से छुटकारा हासिल करना ये तीनों लफ्ज़ इसी चीज़ को बता रहे हैं किसी चीज़ से छुटकारा हासिल करना एग्जाम्पल देख लीजिए कंप्यूटराइजेशन हैज़ एनेबल एस टू डो अवे विद अलॉट ऑफ पेपर वर्क जो ये कंप्यूटराइजेशन हो गई है या जाहिर है कम्प्यूटर का दौड़ आ गया हुआ है ठीक है उसी का इरादा चल रहा है तो क्या है कि हम बहुत ज़्यादा जो पेपर वर्क पहले किया जाता था अब उससे छुटकारा मिल चुका है ठीक है उससे हमें छुटकारा मिल गया है और सेकेंड एग्जाम्पल है दैट डिपार्टमेंट वॉज डन अवे विद टू ईयर्स अगो उस डिपार्टमेंट को दो साल पहले ख़त्म कर दिया गया था रिमूव कर दिया गया था ठीक है तो ये होता है डू अवे विद किसी चीज़ को रिमूव कर देना ख़त्म कर देना फ्रेंड्स हमारा फिफ्थ वाला फ्रेज वर्ब है डू डाउन डू डाउन मीनिंग क्या होता है टू क्रिटिसाइज अनफेयरली, किसी को बुरे तरीके से तनकीद करना एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं फर्स्ट एग्जाम्पल है प्लीज़ स्टॉप डूइंग योर सेल्फ डाउन मेहरबानी अपने ऊपर तनकीद करना बंद कर दो अपने आप को कोसना बुरा भला कहना बंद कर दो ठीक है डोइंग योर सेल्फ डाउन और सेकेंड एग्जाम्पल है वन शुड नाट डू डाउन एनी वन किसी को भी किसी को इतने बुरे तरीके से तनकीद नहीं करना चाहिए ठीक है किसी को बुरे तरीके से तनकीद नहीं करना चाहिए तो ये होता है डू डाउन टू क्रिटिसाइड समफेयरली ओके फ्रेंड्स हमारा सिक्स्थ वाला फ्रेज वर्ब है डू फॉर समन मीनिंग है टू एग्जॉस्ट किसी को थका देना ठीक है एग्जाम्पल्स क्या हैं फर्स्ट एग्जाम्पल है टू वर्क सिक्सटीन आवर्स अ डे डू फॉर एनी वन क्या है, है कि दिन में सोलह घंटे काम करना किसी को भी थका देता है ठीक है थका देता है डू फॉर एनी वन सेकेंड एग्ज़ाम्पल है वर्किंग एट आवर्स अ डे नियरली डिड फॉर मी क्या था कि दिन के आठ घंटे काम ने मुझे थका दिया डिड फॉर मी सेकेंड में है ठीक है पास्ट में है तो मैंने पास्ट की बात की है ये पास्ट का सेंटेंस है कि आठ घंटे मैंने काम करे और मैं फुल थक गई ओके फ्रेंड्स हमारा सेवन्थ वाला फ्रेज वर्ब है और ये लास्ट वाला फ्रेज वर्ब है डू समन इन फ्रेंड्स सम वन सेंटर में लगाएंगे कोई भी इस तरह आ सकता है और डू इन ठीक है मीनिंग क्या है To make someone extremely tired or exhausted, किसी को बहुत ज़्यादा थका देना ठीक है मुकम्मल तौर पर थका देना एग्जाम्पल क्या है वर्किंग ऑल डे इन रियली डिड मी इन क्या था कि पूरे दिन का काम करना उसने वाकई में मुझे पूरा पूरी तरह थका दिया मुझे तोड़ दिया या इस तरह से आप कह सकते हैं ठीक है, है? कमर तोड़ दी या इस तरह से यानी मुकम्मल तौर पर थक जाना उसके लिए हम दो इन यूज करते हैं ठीक है स्ट्रेस देने के लिए हम जो है ना डू इन यूज़ करेंगे कि मैं मुकम्मल तौर पर थक गई थी ओके फ्रेंड्स उम्मीद आपको समझ आ गई फ्रेंड्स यहाँ पर छोटी सी एक्सरसाइज जिसको आप सॉल्व करेंगे कमेंट सेक्शन में अदरवाइज आप लास्ट पे भी आंसर देख सकते हैं ठीक है एक्सरसाइज क्या है मेहरबानी उस पर बुरे तरीके से तनकीद मत करो सेकेंड है पूरा दिन काम करना किसी को भी पूरी तरह थका देता है थर्ड है उस प्रोजेक्ट को दोबारा करो क्योंकि उसमें गलतियां हैं ठीक है फ्रेंड्स ये आप सॉल्व कर सकते हैं यस फ्रेंड टाइम इज़ गोइंग अप एंड एंड इफ यू 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 वांट आंसर देन कैन स्टॉप द वीडियो इन सेक्शन अदरवाइज कैन सी द आंसर्स इन द लास्ट ऑफ द वीडियो ओके थैंक यू फ्रेंड्स आज के आंसर्स क्या हैं प्लीज़ उस पर बुरे तरीके से तनकीद मत करो इसके लिए हम यूज़ करें इसके लिए हम जो हमारे पास इंग्लिश है या जो हमारे पास फिज वर्ब है प्लीज़ डोंट डू हिम डाउन डू डाउन पढ़ा था ना हमने डू do डाउन तो प्लीज़ डोंट डू हिम डाउन सेकेंड है टू वर्क ऑल डे रियली डज एनी वन इन पूरा दिन काम करना किसी को भी थका देता है डू इन को मैंने डज इन प्रजेंट इंडेफिनेट में इस्तेमाल किया है ओके okay. और थर्ड है डू दिस प्रोजेक्ट ओवर बिकॉज इट हैज़ बी स्ट्राइक्स क्या है कि इस प्रोजेक्ट को दोबारा करो क्योंकि इसमें गलतियां हैं तो डू ओवर यूज हुआ है यहाँ पर फेज वर्ब ओके ये हैं आज के आंसर फ्रेंड्स उम्मीद उम्मीद आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई ओके शुक्रिया ओके फ्रेंड्स थैंक यू सो मच सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़